अगर जल्दी में कुछ बनाना हो, चाहे वो सुबह का टिफ़िन हो या नाश्ता, या चाय के साथ खाने के लिए कुछ चटपटा जल्दी से बनने वाला स्नैक्स हो, तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए। नमस्ते, मैं हूँ नंदना और आपका स्वागत है माई होमली लवली कुकिंग में। तो आइए देखते हैं। तो चटपटा सा स्टफ्ड ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया 4 ब्रेड। आप दही का सॉस बनाएंगे तो इसलिए चाहिए 1 कप खट्टा दही। अब उसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो। चाट मसाला में नमक है इसलिए और नमक नहीं मिलाएंगे। और एक खीरा को छोटा छोटा पीसेस में काट के रखे। तो दही का सॉस बन के तैयार हो गया है। अब एक पैन में डाले 2 टीस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होए उसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून कटी हुई लहसुन और 1 प्याज कटी हुई। कुछ देर चलाएंगे। लहसुन और प्याज जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए मिलाए 1/2 कैप्सिकम। कुछ देर चलाए और 1 टमाटर। सबको एक साथ कुछ देर फ्राई करेंगे और थोड़ा सा पनीर क्यूब्स मिलाई। पनीर है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा नमक दिया स्वाद अनुसार और ऊपर से दिया और 2 टीस्पून ऑयल। कुछ देर फ्राई करने के बाद तो स्टफिंग बन के तैयार हो गया है। तो उसको एक प्लेट में कुछ देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब वही पैन में डाले 1 टीस्पून बटर। जब बटर मेल्ट हो जाए तब एक पाव को बीच में से काट के सेकना है। दोनों तरफ अच्छे से सेकना है। जब एक तरफ क्रिस्पी बन जाए तो दूसरी तरफ पलट देंगे। दोनों तरफ जब कुछ देर सेकना हो जाए उसको उठा के रखिए। अब उसमें जो दही का सॉस बना के रखे थे उसको अच्छे से स्प्रेड करना है। चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करने के बाद ही जो स्टफिंग बन के रखे थे पनीर का उसको डालेंगे। और ऊपर से मिलाए थोड़ा सा सेजवान सॉस और थोड़ा सा ऑरिगानो फ्लेवर के लिए। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप ब्रेड को बंद कर देंगे तो चटपटा सा स्टफ्ड ब्रेड बन के तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो दोस्तों आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय।